सिंगरौली में किसान बिल को लेकर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सूर्या द्विवेदी ने कहा कि युवा कांग्रेस 9 फरवरी को दिल्ली में किसानों का समर्थन करेगा और वहां किसानों के समर्थन में हर कार्यकर्ता एक मुट्ठी अनाज लेकर पहुंचेगा। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली में 9 फरवरी को किसान रैली में शामिल होंगे। जिला अध्यक्ष सूर्य द्विवेदी ने कहा कि हम लोग केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर 9 फरवरी को कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन के लिए दिल्ली पहुंचेंगे, जिसमें युवा कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता एक मुट्ठी अन्न व एक मुट्ठी चावल लेकर किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान सूर्या ने कहा कि केंद्र द्वारा लाया गया कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, ऐसे काले कानून को खत्म करना चाहिए। हमारी मातृभूमि का अंश एक मुट्ठी मिट्टी लेते हुए युवा कांग्रेस के साथियों ने यह संकल्प लिया कि हम सभी तो किसान भाई नहीं जा सकते हैं दिल्ली, लेकिन हर विधानसभा की माटी, हर किसान की माटी की सोच उस दिल्ली के संसद भवन तक जाएगी और ये गूंगी बहरी सरकार को ये जताएगी कि आप अगर किसानों की आवाज को नहीं सुन रहे हैं, किसानों को दबा रहे हैं, कुचल रहे हैं, तो युवा कांग्रेस समूचा कांग्रेस परिवार, युवा कांग्रेस समूचा कांग्रेस परिवार किसानों के साथ खड़ा है, उनके साथ अन्याय नहीं होने देगा, उनकी हक की लड़ाई लड़ेगा। जो दिल्ली में किसानों की लड़ाई किसान लड़ रहे हैं, उस संबंध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निवासन जी के नेतृत्व में 9 तारीख को दिल्ली संसद भवन का घेराव किया जा रहा है। जो हम लोग यहाँ से एक मुट्ठी मिट्टी चावल और एक मुट्ठी गेहूँ किसानों से लेकर के दिल्ली जाने का काम कर रहे हैं हम लोग, हमारी पूरी युवा कांग्रेस की टीम जा रही है पूरे प्रदेश से। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।